আপনারা সবাই থেকে অপেক্ষা করছেন এবং কাউন্টিংটাও প্রায় শেষ হয়ে গেছে, সেই জন্য আমি প্রথমেই ভবানীপুরের সকল মা ভাই বোনেদের, আমার সকল সহকর্মীদের এবং সারা বাংলার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ যারা এই রেজাল্টটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন। মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুর কি জনতা কো ধন্যবাদ দে রহি হ্যায়, কহ রহি হ্যায় কি সবসে পহলে তো মে ভবানীপুর কি জনতা কো ধন্যবাদ দুঙ্গি জিস তরিকে সে উনহোনে মুঝে জিত দিলাই হ্যায়। 1,15,000-এর মতো ভোট পোল্ড হয়েছিল টোটাল, এবং তাতে বড় যে জঙ্গিপুর এবং শামসেরগঞ্জে ভোটার সংখ্যা অনেক বেশি এবং ওখানে পোল্ড হয়েছে 80% 70%, কিন্তু ভবানীপুরে এটা চিরকালের ধারা। আমি যখন 1911 সালে ভবানীপুরে 7,00,000 কে আসপাস ভোট দিয়ে শমশেরগঞ্জ में 80% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन भवानीपुर में हमेशा से ट्रेंड रहा है थोड़ा कम वोटिंग। 2016 में हमने जीते थे संभवत 25-26,000 वोटे, एवं गत जनरल इलेक्शन में शुभेंदु चट्टोपाध्याय 57% वोटे पोल हुए थे, ताते उन्हें 28,000 वोटे जीते थे। पिछले चुनाव में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 25-26,000 वोटों से मैं जीती थी और शोभनदेव चट्टोपाध्याय इस बार 28,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार मैं 58,000 वोटों से जीती। मैं वोट करते समय सभी को धन्यवाद देती हूँ, कोविड चल रहा है, बारिश हो रही है और ऐसे में भवानीपुर की जनता बाहर निकली, वोट दिया उन्होंने और ये सबसे बड़ी बात है, ये पहली बार हुआ है कि भवानीपुर के किसी भी वार्ड में हम लोग हारे नहीं। इससे पहले भी मैं लड़ी थी, एक दो वार्ड में मैं हारी थी, लेकिन ये पहला मौका है जब मैं किसी वार्ड में नहीं हारी। 46% नॉन बंगाली, बंगाली आछे, मुस्लिम आछे, पंजाबी आछे, गुजराती आचे, मराठी आचे, उड़िया आचे, भवानी बोले 46% नॉन बंगाली, बाकी गुजराती, बाकी लोग बंगाली भी हैं, लेकिन सभी ने मिलकर वोट दिया। আজকে আমার মন ভরে গেছে এই কারণে যে ভবানীপুরের মানুষ দেখিয়ে দিল, সারা বাংলা আজকে ভবানীপুরের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং ভবানীপুরের জনতা নে দেখা দিয়া সারা বাংলা ভবানীপুর কি ওর দেখা। যখন সব ইলেকশন আমরা জিতেও একটা ইলেকশনে আমরা জিততে পারিনি সেটা কোর্টে কেস আছে, কেন জিতিনি কি জিতিনি তার অনেক কারণ আছে, সেটা কোর্টে কেস আছে, পরে ডিসাইড হবে, সাব জুডিস করে বলছি না। पूरा बंगाल हमने जीता था लेकिन एक जगह मैं हार गई थी, तो क्या हुआ नहीं हुआ किस तरह से हार गई, कोर्ट में है मामला, संक्रांत भी हुआ था, बहुत सारा साजिश थी, बहुत सारी भवानीपुर की जनता ने मुझे नया उत्साह दिया है जिसके लिए मैं चिर ऋणी रहूं। हम लोग 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, भवानीपुर का रिजल्ट आउट हो गया है, शमशेरगंज और जंगीपुर बाकी है। शमशेरगंज में भी हम जीत रहे हैं।
एक दो तीन मनुष्य को धन्यवाद, मनुष्य को धन्यवाद। चार बाई इलेक्शन है, उसके नाम की घोषणा इस शुभ दिन में मैं करना चाहती हूँ। शांतिपुरे हमारे बाई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे राजकिशोर गोस्वामी, शांतिपुर से राजकिशोर गोस्वामी, सॉरी नाम तो बोले मोच किशोर गोस्वामी, पूरा गोस्वामी परिवार एवं ठाकुर परिवार, गोस्वामी परिवार के हैं वो। उदयन गुहा दिनहाटा से खड़े हो रहे हैं, हरदा में शुभमदेव चट्टोपाध्याय खड़े हो रहे हैं, गोसावा में जो नाम है उसकी घोषणा में पार्थो चैटर्जी और सुब्रत की इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अनाउंस करेंगे। दो नाम है कौन टिकट किसको टिकट मिलेगा मैं अभी थोड़ी देर में घोषणा करूंगी। आप लोगों को धन्यवाद, आकाशे में वज्रध्वनि, जीवन झुकी नहीं कि आस्ते आस्ते সবকিছু ভালোভাবে হয়ে যাক। আমরা মিছিল করতে সবাইকে বারণ করেছি, তার কারণ হচ্ছে এমনি আসলো দেখা করলো চলে গেল সেটা ঠিক আছে, যেমন আমি ছেড়ে দিলাম, কিন্তু যেহেতু অনেক জায়গায় ফ্ল্যাটও হয়েছে এবং এই দুদিন আরো বেশি বৃষ্টি হওয়ার কথা আছে, তাই আমি মনে করি আমাদের সবচেয়ে আনন্দ হবে যদি আমরা বন্যায় যারা আক্রান্ত তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করতে পারি। हम लोगों ने विजय जुलूस निकालने को मना किया है क्योंकि बारिश चल रही है, फ्लड है और आने वाले दो दिन बारिश होगी, इसलिए सही विजय जुलूस वही होगा जब हम बाढ़ पीड़ितों के आसपास खड़े हैं। तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हटा हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक को ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है, इसी के लिए सब जुनिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया, हम चुनाव आयोग का पति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया, एक साथ में साथ हो जाने से अच्छा ही होता, ठीक है फिर भी हम कोशिश करेंगे। खाली हमारा इलेक्शन का कमीशन को बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 तारीख से 20 तारीख तक हमारा पूजा चलेगा, पैंडल पैंडल में बहुत सारे जनता आएगा, वो टाइम अगर कैंपेन कोई ओपनली ना करे तो अच्छा है, कैंपेन करना है तो 20 तारीख से करे, 27 तारीख तक, 30 तारीख में इलेक्शन है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये चाहेंगे कि पूजा का टाइम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब ना किया जाए कि हमारा ये फेस्टिवल सबसे बड़ा है, हम हमारा देश का जितना जनता है जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, और देखते हैं आसमान का रूप, आप लोग एक काम करो ऐसे ऐसे घर चले जाओ प्लीज, थैंक यू।